गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल की आपने स्ट्रेटजी वीडियो देख ही ली होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम क्लासेस करेंगे। मंडे से लेके थर्सडे तक, यानी सोमवार से लेके गुरुवार तक एमपी चलेगा, फ्राइडे को आईसीडी चलेगा और सैटरडे को आपका करेंट अफेयर होगा और संडे के दिन आपकी एफएलटी होगी, जहां पर हम पूरे 50 क्वेश्चन जो आपका पेपर रहेगा वो डिस्कस करेंगे। तो गुड इवनिंग गौरी बेदी जी, प्रियंका जी, सुनीता जी, बबली जी, डॉक्टर अर्चना सिंह जी, वंदना राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जहां पर हम करने वाले हैं आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके एमपीपीएससी के अलग अलग एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो इससे एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आईसीटी पे किस तरह के प्रश्न यहां पर क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और बेसिक क्वेश्चंस जनरली आपके आईसीटी में बनते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। साथ में कुछ करंट पे बेस क्वेश्चन भी आपको आईसीटी में पूछे जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस करवाने वाला हूँ। गुड इवनिंग प्रगति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, साथ में क्विज और बाकी सब चीजें मिल जाएंगी जो आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में गुड इवनिंग पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति जी गुड इवनिंग, मुकाम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस क्लास की जो पीडीएफ है यूट्यूब क्लास की और जो अपडेट्स रहेंगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अगर आप टेलीग्राम का यूज नहीं करते हैं तो भाई आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। इसके साथ साथ पेपर वन का कंप्लीट कोर्स आपको 599 में मिल जाएगा, जो 1 तारीख यानी आज से बेसिकली आपका क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 199 रुपीस की, अगर आपको टेस्ट सीरीज बस लेनी है। गुड इवनिंग श्रद्धा जी, संस्कृति जी, देव ठाकुर जी, मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैराथन क्लासेस और लगातार क्लासेस आपको मिलने वाली है बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहां पर मैं आपको 35 PYQ करवाने वाला हूं आईसीटी के, जिसमें आपके कंप्यूटर पे आधारित प्रश्न होंगे। और ये सब जो PYQ हैं आपके MPPSC के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे गए थे एग्जाम में। चलिए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट। जी हां, आपको यह बताना है। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट जो है मैक्सिमम 20 से 30 दिनों के बीच में आ जाएगा, आंसर की आज या तो कल आई जाएगी, क्योंकि जनरली एग्जाम के 2 से 3 दिन में आंसर की आ जाती है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए तो आप लोग टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट, हां सत्यभाम सत, बिल्कुल इसका सही आंसर है सत्यभाम सत। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सैटेलाइट है। इसको अगर मैं बात करूं तो 2016 में इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था 2016 में इसे लॉन्च किया गया था, है ना। ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सत्यभाम करके जो साइट है, ये बेसिकली आपका सैटेलाइट है। ये आपका जो है आपका एक माइक्रो कह सकते हो आप, क्या है, माइक्रो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, जो कि सत्यभाम यूनिवर्सिटी है ना, सत्यभाम यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था, उसके स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था जो डाटा है ग्रीन हाउस गैसेस पे, यानी इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था ग्रीन हाउस गैस के डाटा को कलेक्ट करना था,
है ना, तो सत्यभाम करके कॉलेज है बेसिकली, आपका यूनिवर्सिटी है बेसिकली, वहां से इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये यूनिवर्सिटी जो है चेन्नई की यूनिवर्सिटी है सत्यभाम। और यहां पर बाकी जो ऑप्शन है तो वो भी देख लीजिए भाई, जैसे आपका यहां पर है कार्टोसैट 2B, तो कार्टोसैट जो है बेसिकली आपका क्या है, ये आपका इसके साथ में ही लॉन्च किया गया था, व्हीकल टाइप का कह सकते हो, है ना। और PSLV व्हीकल जो होता है वो यहां पर आपका देखने को मिलता है। तो इनमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, है ना। और ये डाटा के लिए किस लिए किया गया था मैंने आपको बता ही दिया, है ना। और कार्टोसैट 2B जो है बेसिकली आपका क्या है, ये इसरो का आपका सैटेलाइट है, है ना, इसरो का सैटेलाइट है जो स्पेस रिसर्च के लिए बनाया गया है। कल्पना फर्स्ट जो है बेसिकली आपका वेदर सैटेलाइट है, ये वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट है, मौसम से रिलेटेड सैटेलाइट है। इंस्टेंट 2E जो है आपका, ये आपका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन प्लस आपका वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट बेसिकली आपका है। तो ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है और इस चीज को ध्यान रखिएगा। सारिका अलवा जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बार लाइक कर दीजिएगा, बोला जा रहा है JSP का फुल फॉर्म क्या होगा। जी हाँ, JSP पढ़ा इसके बारे में, JSP के बारे में, JSP स्टैंड फॉर, हाँ JSP का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस। जी हाँ, जावा सर्वर पेजेस जो कि JSP का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और JSP बेसिकली आपका क्वेश्चन में आ जाता है तो इसे याद रखिएगा। और है, होता क्या है JSP, JSP है क्या बेसिकली आपका, हाँ आप सभी को पता होगा 1999 में सन माइक्रो सिस्टम ने, है ना, सन माइक्रो सिस्टम ने 1999 में, सन माइक्रो सिस्टम ये कंपनी है, है ना, इसने बेसिकली आपका JSP लॉन्च किया था। एक तरह से बेसिकली आपकी क्या है, ये लैंग्वेज है, जैसे आपकी PHP होती है, है ना, अगर आपने PHP के बारे में पढ़ा होगा तो PHP जैसी एक लैंग्वेज है JSP, है ना। तो इसको याद रखिएगा, कई बार आपको इस पे क्वेश्चन आ जाता है JSP क्या है। चलिए, और इसको अब आप देखेंगे जो लेटेस्ट में आपको जावा सर्वर पेजेस ना लिख के कई जगह जकार्ता सर्वर पेजेस भी लिखा होगा, है ना, जकार्ता सर्वर पेजेस भी लिखा हो तो चौंकिएगा मत, है ना, क्योंकि लेटेस्ट में आप देखेंगे इसे हम जकार्ता सर्वर पेजेस के नाम से भी जानते हैं, पहले इसको हम आपका जावा सर्वर पेजेस के नाम से जानते थे। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है बेसिकली, याद रखिएगा। चलिए गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी। चलिए स्टार्ट करें, जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी आ जाया करो क्लास में, है ना, क्लास में जल्दी आ जाया करो थोड़ा। चलिए, बोला जा रहा है विंग इज वेब सर्च इंजन ओन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जी हाँ, विंग जो है ये किसके द्वारा बनाया गया सर्च इंजन है, ये आपको बताना है। देखिए, कट ऑफ पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जम्मू कश्मीर का भी मैंने कट ऑफ पे वीडियो बना रखा है, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। तो वीडियो मैंने बना रखा है, वो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, गुड इवनिंग देव जादौन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Bing is web search engine owned and operated by, पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, Microsoft Bing पढ़ा होगा, हाँ Microsoft Bing आपने पढ़ा होगा ना, हाँ Microsoft का है बेसिकली Bing, है ना। और याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस पे, 2009 में इसे लॉन्च किया गया था, 2009 में आप देखेंगे इसे लॉन्च किया गया था बेसिकली। ऐसे ही याहू जो है, अब जैसे याहू है तो याहू का जो सर्च इंजन है उसका नाम याहू ही है, है ना। ऐसे ही अल्फाबेट जिसे गूगल कहते हैं तो उसका सर्च इंजन गूगल है, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, है ना। अमेजन का कोई सर्च इंजन नहीं है, अमेजन बेसिकली आपकी क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहां पर आ सकते हैं। पेपर वन की ही आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, पेपर टू की तो आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, पेपर वन की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, है ना। तो वो आप कर सकते हैं ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो। हाँ,
तो इसको याद रखिएगा और क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे मैंने याहू का बता दिया, तो याहू का सर्च इंजन याहू के नाम से ही जाना जाता है, है ना। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन जो है बेसिकली गूगल आपकी है, और अमेजन के फाउंडर पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अमेजन के फाउंडर कौन है, तो जेफ बेजोस जो है अमेजन के फाउंडर है, जेफ बेजोस, है ना। जेफ बेजोस जो है किसके फाउंडर हैं, बेसिकली आपके फाउंडर हैं अमेजन के, तो ये याद रखिएगा। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे लेटेस्ट में पूछ लिया था उसने कि इसके फाउंडर कौन है अमेजन के, या फिर बोल देगा फेसबुक के फाउंडर कौन है, है ना, तो मार्क जुकरबर्ग है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे याहू के अगर फाउंडर पूछ लिया, याहू का फाउंडर, तो याद रखिएगा जेरी यंग, जेरी आपका यंग करके है, जेरी यंग, है ना, जेरी यंग, और साथ में इनके थे डेविड फिलो और डेविड फिलो, ये जो है बेसिकली आपके किसके फाउंडर हैं, याहू के फाउंडर हैं, है ना। अल्फाबेट के फाउंडर की बात करूं तो अल्फाबेट के फाउंडर कौन थे, लैरी पेज और सर्गिक बिन। लैरी पेज को आप जानते होंगे, लैरी पेज जो है आपके अल्फाबेट के फाउंडर हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पूछा जा सकता है। जी जी सारिका अलावा जी, क्या इंग्लिश में समझ नहीं आता, हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है वेब क्रॉलर क्या होता है, वेब क्रॉलर, हाँ चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। वेब क्रॉलर इज नोन एज ऐप पे अपलोड हो जाएगी क्लास, है ना, अगर अपलोड नहीं हुई है तो आज अपलोड हो जाएगी क्लास ऐप पे। हाँ वेब क्रॉलर क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको एग्जाम में आया हुआ है और आ सकता है अच्छा खासा क्वेश्चन। बिल्कुल काफी स्टूडेंट्स का आंसर दे रहे हैं भाई, अच्छे से आंसर दो तब पता चलेगा। वेब क्रॉलर इसे किस नाम से जाना जाता है, एमपी पुलिस की कब आएगी भाई, एमपी पुलिस की चल तो रही है वैकेंसी, और कितना वैकेंसी चाहते हो, अभी तो एग्जाम चल रहा है, ऐसा ही पता नहीं कब आएगी लेकिन आएगी। हाँ एमपी पुलिस की तो वही चल रही है। हाँ चलिए क्या होगा, पढ़ा इसके बारे में, नहीं पढ़ा। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, वेब स्पाइडर या वेब क्रॉलर जो है बेसिकली आपके ये आपके कंटेंट को वेब पे क्या करते हैं, इंडेक्स करने का काम करते हैं, जो आपका कंटेंट होता है वेबसाइट पे उसे इंडेक्स करने का काम जो होता है वेब क्रॉलर का या वेब स्पाइडर का होता है। बेसिकली एक ऐसे बोट होते हैं ना, इन्हें बोट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, BOT बोट सॉफ्टवेयर भी इन्हें कहा जाता है। ये एक ऐसे बोट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम ही है क्या करना, सर्च इंजन में आपके वेब कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, है ना। तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने पढ़ा होगा, या सर्च ऑप्टिमाइजर आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली आपका कौन करता है, ये वेब क्रॉलर करते हैं जो इंडेक्स में आपके कंटेंट को लेके आते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो वेब क्रॉलर है इन्हें वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई, किसी को समझ नहीं आया हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। वेब क्रॉलर और वेब स्पाइडर, है ना, तो इनको आप याद रखिएगा, और बेसिकली ये बोट कहलाते हैं, है ना। सर मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई कर दीजिए, देखिए ऑलरेडी मैंने कट ऑफ पे वीडियो बना रखा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपको खुद आंसर की भी मिल जाएगी, और कट ऑफ तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा 15-20 दिन में, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए।
बस ये कि आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आप ये सोचेंगे कि बस रिजल्ट के पीछे रहें तो ऐसे नहीं चलेगा ना। हाँ 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा वैसे भी, है ना, तो थोड़ा सा सब्र कर लो आप लोग। चलिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। भाई इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा है आपको बताना है। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, आप सभी को पता है ना, इनपुट डिवाइस होता है और आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट में जो हम इनपुट दे रहे हैं वो डाटा जो जाएगा प्रोसेस होगा, है ना, तो वो आपका इनपुट डिवाइस है, और जो डाटा आपको प्रोसेस होने के बाद मिलेगा वो आउटपुट है, और जिसपे वो शो करेगा वो आउटपुट डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट में कीबोर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि आपने यहां से की दबाई वो वहां पर गया, है ना। ऐसे ही आपका आउटपुट में आपका मॉनिटर जो है वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहां पर स्कैनर जो है इनपुट होता है, स्कैनर जो है इनपुट होता है, प्रिंटर जो है आपका क्या होता है, आउटपुट होता है, प्रिंटर जो है आपका क्या होता है, आउटपुट होता है, है ना। इसके साथ साथ माउस जो है वो आपका इनपुट होता है, माउस हम क्लिक करते हैं इनपुट होता है, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे बेसिकली आउटपुट बोला जा रहा है, तो आउटपुट के लिए जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि आपका जो प्लॉटर होता है वो भी आपका क्या है, प्रिंटर का ही काम होता है, तो प्लॉटर भी बेसिकली आपका आउटपुट डिवाइस है। सेम आप देखेंगे स्पीकर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि माइक आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सेम आपका जो मॉडम जो होता है ये आपका इनपुट भी होता है और यही आपका आउटपुट भी होता है। तो मॉडम जो है आपका दोनों ही होता है, मॉडम जो है आपका दोनों ही होता है, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मॉडम आपका दोनों ही होता है, इनपुट और आउटपुट भी होता है। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि ब्लैंक इज अ वे टू क्विकली एक्सेस फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इन योर ब्राउजर। खालिस्तान पसंदीदा वेबसाइट को अपने ब्राउजर में सहज कर त्वरित रूप से करने का एक तरीका होता है, ये आपको बताना है। चलिए कौन होता है भाई, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ देखिए, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप कमेंट कर पाएंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए तो कमेंट कर पाएंगे। चलिए क्लियर, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए इसे कहते हैं बुकमार्क। जी हाँ, बुकमार्क के नाम से जाना जाता है जनरली। आपका जो आपके अगर तो कोई भी साइट को याद रखने के लिए करते हो, जैसे किताब में भी आप क्या रखते हो, कॉपी किताब में भी कोई पन्ना आपको पढ़ लिया यहां तक, उसके बाद आप उसमें बुकमार्क रखते हो, वैसे ही आपका यहां पर भी बुकमार्क होता है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं खोलूंगा तो यहां पर आप जैसे ही स्टार देखेगा, स्टार पे क्लिक करेंगे तो बुकमार्क एडिट का यहां पर क्या आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है ना, बुकमार्क एडिट का यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाता है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे आपका क्या कहलाता है, बुकमार्क कहलाता है। इसके अलावा कुकी जो होती है, कुकी आपकी बेसिकली क्या होता है, डाटा होता है वो वेबसाइट का टेम्पररी बेसिस पे, है ना। कोई कोई वेबसाइट जब आप एक्सेस करते हो तो उसका डाटा जो है टेम्पररी बेसिस पे आपके उसमें स्टोर होता जाता है। तो आपने कई वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जिसमें आपको ऑप्शन आता है कि एक्सेप्ट कुकी, ये वेबसाइट कुकी एक्सेप्ट करती है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, है ना। ब्लॉग क्या होता है, जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, जो आप आर्टिकल्स ऑनलाइन पढ़ते हो, सब ब्लॉग तो है, है ना, वो सब ब्लॉग है बेसिकली आपके, है ना, जो आप लिखे गए आर्टिकल्स हैं ब्लॉग्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा। मैं साइड हो जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, वायरस फुल फॉर्म हाँ, वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट यूनिट
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च या वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। इसका सही आंसर याद रखिएगा वो है आपका बेसिकली वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये इसका क्या होता है फुल फॉर्म होता है। और वायरस बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या मैं कहूं ऐसा मेलेसियस सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मेलेसियस सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपका क्या करता है, आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है, आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, इन केस ऑफ डाटा है ना, योर फाइल सॉफ्टवेयर अलग अलग चीज को डैमेज कर सकता है। तो भैया वायरस क्या है, एक मेलेसियस सॉफ्टवेयर होता है। वायरस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी है ना। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो वायरस जो है बहुत प्रकार के होते हैं है ना, तो वो भी आप पढ़ोगे तो आपको चीजें देखने को मिलेंगी है ना। और उतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन वायरस कर बहुत चीजें कर सकता है, आपने देखा ही होगा अगर आपने नहीं किया है ना। जैसे अगर मैं बात करूं एक उदाहरण के तौर पे वायरस के टाइप की, तो भाई बूट सेक्टर वायरस हो गया, डायरेक्ट एक्शन वायरस हो गया है ना, रेसिडेंट वायरस हो गया है ना, मल्टी पार्टी से पार्टिसिपेट वायरस हो गया, पॉलीमॉर्फिक वायरस हो गया, फाइल इन्फेक्टर वायरस हो जाता है ऐसा ही आपका है ना, स्पेक और मैक्रो वायरस हो जाता है। तो वायरस के भी बहुत सारे टाइप हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है वन वू गेन अनऑथराइज एक्सेस डिस्ट्रॉय वाइटल डाटा डिनाय लिमिटेड यूजर सर्विस कॉज प्रॉब्लम टू देयर टारगेट इज कॉल्ड व्हाट। भैया कौन है जो अनगिनत पहुंच से आपके सिस्टम में घुस जाता है बिना किसी उसके, और आपके डाटा को नष्ट करना शुरू कर देता है, और आप जब एक्सेस करते हो तो आप एक्सेस नहीं कर पाते, वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। चलिए तो ये पटाखा थोड़ा सा गलत पढ़ा है यहां पर है ना, क्रैकर क्या होगा यहां पर, पढ़ा इसके बारे में क्रैकर। हाँ क्या होता है भाई क्रैकर, हाँ भाई व्हाइट हेड हैकर नहीं होगा, देखो व्हाइट हेड हैकर नहीं होगा यहां पर, क्रैकर इसका सही आंसर है। व्हाइट हेड देखो, व्हाइट हेड लिखा है उसने जानबूझ के फंसाने के लिए, पीएससी ने क्वेश्चन दिया था, काफी बच्चे इस क्वेश्चन में फंस गए, उन्होंने बस पढ़ा हैकर, लेकिन आगे भी तो पढ़ो, व्हाइट हैट हैकर लिखा है, तो व्हाइट हैट हैकर वो बंदा नहीं होता है। व्हाइट हैट हैकर वो बंदा होता है जो आपके सिस्टम में खामियां निकालता है और उसे क्या करता है, पूरा करता है ना, जो कमियां हैं उसे, जो कमियां हैं उसको निकालेगा, जो एरर है बग्स को निकालेगा, और वो बताएगा कि यहां से हैकर एंटर कर सकता है। तो ये वो आदमी है जो बचाता है, ना कि बेसिकली आपका एंटर करता है। तो यहां पर बी आंसर सही है, क्रैकर है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर हैकर बस शब्द होता तो आप बोल सकते थे, लेकिन यहां पर क्रैकर शब्द का यूज किया गया है। तो क्रैकर बेसिकली आपका क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना पासवर्ड के आपके सिस्टम में घुस जाए और आपके सिस्टम में उलटफेर कर दे, वो बेसिकली आपका होता है क्रैकर है ना। तो क्रैकर को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, हैकर ही है जो आपका क्या कहलाता है, आपका क्रैकर कहलाता है। तो याद रखिएगा हैकिंग में भी जो हैकर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लैक हैड और एक होता है आपका व्हाइट हैड। तो ब्लैक हैड होता है ये बेसिकली क्रैकर है, और जो व्हाइट हेड है बेसिकली बचाने का काम करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत हुईगा, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए और उनके आंसर यहाँ गलत हो गए, ठीक है। चलिए प्रोग्रामर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज,
चलिए बताइए भाई, हाई लेवल लैंग्वेज ऑल दी अबव लगा है तो आप बोलोगे सर ऑल दी अबव आंसर है यहाँ पर, ऑल दी अबव लगा है तो ऑल दी अबव आंसर बोल दोगे भाई डायरेक्ट, है ना, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर है। रही बात यहाँ पर कोबुल की, तो कोबुल याद रखिएगा बेसिकली आपकी, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कोबुल हो गई, पास्कल हो गई, बेसिक हो गई, है ना, एल्गोल हो गई, फोटोन हो गई, पाइथन हो गई, विजुअल बेसिक हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, बोला जा रहा है कि ईमेल पते का डोमेन ब्लैंक दे रखा है, तो बोला जा रहा है कि इसमें आपको बताना है डोमेन क्या है एक्चुअली में, है ना, डोमेन क्या है बताइए। बिल्कुल सही कह रहा हूं, द डोमेन नेम ऑफ ईमेल एड्रेस, हाँ। अब देखो आपको ये चीज पता होगी, अगर आपने मेल आपकी आईडी है, नहीं है तो भाई मैं बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं जो एट दी रेट के बाद लगा होता है वो आपका क्या होता है, डोमेन नेम होता है, वो आपका डोमेन नेम होगा, और एट दी रेट के पहले जो होता है वो आपका यूजर नेम होता है, एट दी रेट के जो पहले होता है वो यूजर नेम होगा। तो यहां पर आपको पूछा जा रहा है ईमेल पते का डोमेन नेम, तो डोमेन नेम क्या है, it-info, it-info ये आपका डोमेन नेम है, it-info यहां पर क्या है, आपका डोमेन नेम है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई शुरुआत का जो रहता है वो आपका क्या होगा, शुरुआत का जो रहता है वो यूजर नेम होता है, और एट दी रेट के बाद वाला जो होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, मुझे लगता नहीं कि इसको मेरे को बताना चाहिए था, और नहीं भी पता होता तो आपको पता ही चल जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी ईमेल आईडी है, मेरी ईमेल आईडी है रोहित खेरा 22@gmail.com, तो अगर मैं पूछूं कि मेरा डोमेन नेम क्या है इस आईडी का, तो आप बोलोगे सर gmail.com डोमेन नेम है, और यूजर नेम क्या है मेरा, तो आप बोलोगे सर रोहित खेरा 22 यूजर नेम है आपकी ईमेल का। तो एट दी रेट के पहले जो होगा वो आपका यूजर नेम होता है, और बाद वाला आपका डोमेन नेम होता है, बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बोला इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कंप्यूटर पर रहने वाली लिंक्ड सूचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, लाइक नहीं किया, और जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करने लग जाएंगे अगर कमेंट नहीं आप कर पा रहे हो तो। कलेक्शन ऑफ लिंक इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर विच इज अवेलेबल थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड, हाँ क्या कहते हैं, www, वेरी गुड, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से इसे जाना जाता है भाई, इसी पे आपकी अलग अलग फाइल होती है ना, अलग अलग आपके क्या होते हैं, आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे, वीडियो होंगे, हर चीज आपकी कहां पे उपलब्ध है, www पे ही तो उपलब्ध है, है ना। इसको बनाने वाले का नाम याद है, टिम बर्नर-ली, www का अगर पूछ ले, है ना, www का, तो टिम बर्नर-ली, जी हाँ टिम बर्नर-ली जो है इन्होंने इसे बनाया था, साथ में थे आपके रॉबर्ट कैल्यू, और साथ में थे रॉबर्ट कैल्यू करके व्यक्ति थे, है ना, कैल्यू करके एक व्यक्ति थे, ये साथ में थे, बाकी मेन नाम आप देखेंगे तो टिम बर्नर-ली का ज्यादातर आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन आपको आ सकता है इस पे, तो ये चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि इंटरनेट या फिर www में किसका योगदान था, www, हाँ ठीक है, तो
याद रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब, हाँ वर्ल्ड वाइड वेब याद रहेगा, क्वेश्चन भूलोगे तो नहीं ना, है ना। तो टिम बर्नर ली फादर ऑफ क्या कहलाते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू कहलाते हैं, तो कभी क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना, फादर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, या डब्ल्यू 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 के जनक कौन थे, तो टिम बर्नर ली थे, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन ये काफी बार पूछा गया है तो आ सकता है, ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। और 1989 में बेसिकली इन्होंने बनाया था, और उस टाइम पे आप देखेंगे उन्होंने जो प्रोटोकॉल यूज किया था वो एसटीटीपी प्रोटोकॉल था। एसटीटीपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, है ना, एसटीटीपी प्रोटोकॉल का आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो उसको भी याद रखिएगा क्या होता है फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, सब ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूरे पीएससी से मैंने छान के निकाले हैं, अलग अलग पेपर्स में आपके पूछे गए थे, तो आपको एक लेवल समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पीएससी पूछता है और उसने पूछे हैं, है ना, तो एक आइडिया हो जाएगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, क्योंकि तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है वो एग्जाम में। चलिए, बोला जा रहा है कि द फर्स्ट पेज डिस्प्ले बाय वेब ब्राउजर आफ्टर ओपनिंग अ वेबसाइट इज कॉल्ड, कोई भी वेबसाइट अगर मैं खोलता हूं तो पहला पेज जो होगा उसे किस नाम से जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी आप पेज खोलोगे तो वो पेज होता है आपका होम पेज। जी हाँ, जैसे ही आपने कोई वेबसाइट ओपन की, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं, मैं यहां पर एमपीपीएससी सर्च कर रहा हूं, मैंने एमपीपीएससी सर्च की यहां पर, तो देखिए यहां पर जैसे ही मैंने एमपीपीएससी सर्च की ये जो पेज आया ये इसका होम पेज है, देखिए यहां पर होम पेज टिक हुआ पड़ा है ऑलरेडी। तो जब कोई वेबसाइट आप खोलते हो तो सबसे पहले जो खुलता है वो आपका होम पेज खुलता है, है ना, तो ये होम पेज आपका खुल गया। भाई नहीं आई है आंसर की, आंसर की भी देख ली अपन ने कि नहीं आई है आंसर की, है ना। चलिए अगला है कि खालिस्तान खोज क्षमताओं ईमेल संचार स्टॉक मूल्य मौसम की जानकारी खेल मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है, क्या होगा इसका आंसर। भाई कौन आपका चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे आपके क्या है अलग अलग सर्विसेस हो गई जिसमें ईमेल हो गया, न्यूज हो गए, स्टॉक हो गए, प्राइस हो, स्टॉक प्राइस हो गए, वेदर इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स, हर चीज आपकी आ जाएगी, तो क्या होगा, हॉस्टल होगा, पोर्टल होगा, आर्टिकल होगा या न्यूज़पेपर होगा, तो मेरे हिसाब से आप यहां पर तुरंत चीजें कर सकते हैं। हाँ चलिए जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, पटाख से कमेंट करें। बिल्कुल इसका सही आंसर है पोर्टल। भाई कोई भी पोर्टल आपने देखा है, फॉर एग्जांपल एमपी ऑनलाइन का पोर्टल, जैसे अगर मैं यहां पर आपका ओपन करके दिखाऊं कोई भी पोर्टल, ये पोर्टल है एमपी ऑनलाइन, है ना, मैंने सर्च किया एमपी ऑनलाइन पोर्टल, तो ये देखिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अलग अलग चीजें आ जाएंगी, जैसे नागरिक सेवाएं दिखा रहा है यहां पर, है ना, होम करूंगा तो इसमें बहुत सारी चीजें यहां पर आपकी दिखा देगा, तो बेसिकली कोई भी पोर्टल है उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके देखने को मिल जाते हैं, है ना, तो इसका आंसर पोर्टल हो जाएगा। चलिए अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनेम यूज टू डिस्क्राइब अनसॉलिकेटेड जंक ईमेल, भैया जंक ईमेल मतलब देखा जाए वो ईमेल होते हैं जो बल्क में क्या करता है कोई भेजता है अलग अलग लोगों को, लेकिन वो उस फोल्डर के अंदर चला जाता है, या प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर भेजे जाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता है उसे हम कहते हैं स्पैम। जी हाँ, आप एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों को अगर फॉरवर्ड कर दोगे तो स्पैम की कैटेगरी में आ जाता है। इवन व्हाट्सएप पे भी अगर आपने अननोन लोगों को सेम मैसेज भेज दिया तो व्हाट्सएप भी कई बार आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, ऐसे ही आपका फेसबुक में भी है, ऐसे ही आपका जीमेल में है। जीमेल में आप एक ही मेल बहुत सारों को भेज दोगे ना, हजारों को, तो वो स्पैम फोल्डर में आपको मिलता है ना, तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा, उसे स्पैम के नाम से जाना जाता है।
बोला जा रहा है इंटेंसली डिस्टर्बिव सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड कंप्यूटर टू कंप्यूटर इज नोन एज, भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है वो आपको बताना है। जी हां, फेमस क्वेश्चन है भाई, अभी मैंने बताया वायरस का फुल फॉर्म, तो इसका आंसर भी आप तुरंत कर पाएंगे, फेमस कंप्यूटर वायरस। हाँ चलिए, तो वायरस इसका सही आंसर है, वायरस का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। अब कई बार क्या होता है, फेमस वायरसेस का आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया इनमें से कौन वायरस है, तो कुछ फेमस वायरस जो हैं आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आपको आ सकता है जो फेमस वायरस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे आई लव यू। आई लव यू भी एक वायरस का नाम है, ये काफी फेमस वायरस है। ऐसी पटाया, पटाया करके भी है आपको क्या है, फेमस वायरस है ना। कोड रेड करके वायरस है, मेलिसा करके एक फेमस वायरस है ना। तो कुछ ऐसे फेमस वायरस है जिनके क्वेश्चन में कई बार पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, हो सकता है इन पे आपको आ जाए। चलिए, बोला जा रहा है फायरवॉल जो है किस लिए यूज किया जाता है आपका सिस्टम में। जी हां, फायरवॉल, फायरवॉल इन कंप्यूटर, हाँ क्या करता है फायरवॉल, आग लगने से रोकता है क्या? ऐसा तो नहीं, फायरवॉल आग लगने से रोकता है। हाँ फायरवॉल, चलिए क्या करता है फायरवॉल, बिल्कुल ये पीएससी में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, है ना, ये पीएससी के लास्ट 3 से 4 साल में जो आए हैं ना अलग अलग एग्जाम में, उसी के क्वेश्चन से ही हैं, वही मैं करवा रहा हूं प्रीवियस, उसके बाद फिर मैं अपने भी लेके आऊंगा। हाँ चलिए, तो फायरवॉल क्या करता है, बेसिकली आपका अनऑथराइज अटैक को से क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। जी हाँ, ये आंसर यहां पर हो जाएगा। तो फायरवॉल का काम क्या होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करना, ब्लॉक करना और अलाउ करना। कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल हैकर जो होते हैं एक्सेस मांगने चाहते हैं आपके सिस्टम में, और आपकी सिस्टम को क्या करना चाहते हैं, हैक करना चाहते हैं, तो उस केस में फायरवॉल अगर आपका ऑन है तो वो एक दीवार की तरह क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम और हैकर के बीच में खड़ा रहेगा, वायरस से नहीं। वायरस के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम है, वायरस के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, ना कि फायरवॉल होता है। फायरवॉल का एंटीवायरस से कोई लेना देना नहीं भाई, फायरवॉल केवल क्या होता है, अनऑथराइज नेटवर्क को आपके सिस्टम में एक्सेस करने से रोकता है, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, वायरस जो है वो किससे हमें कैसे बचेंगे उससे, वायरस से, तो उसका काम है बेसिकली एंटीवायरस। एंटीवायरस में काफी फेमस वायरसेस हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे भाई एंटीवायरस में आपका क्विक हील करके आता है, है ना, आपका नॉर्टन हो गया, आपका मैक एफी हो गया, है ना, ऐसे ही आपका कैस्परसी हो गया, कैस्परसी करके है, है ना, ऐसे ही आपका अवास्ट करके है। तो ये कुछ एंटीवायरस के नाम भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, हो सकता है आपको आंसर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, फायर बी लाइक तुम्हें मेरी लास्ट पे से गुजरना होगा, वही वाली चीज है फायरवॉल एक्चुअली। चलिए, एक बाइट कितना होता है भाई, ये आपको पूछा जा रहा है, एक बाइट, है ना, जैसे वो ओम शांति ओम में बोलता है ना एक चुटकी सिंदूर, वैसे ही आपको कंप्यूटर में एक क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि एक बाइट कितने के बराबर होता है रमेश बाबू, है ना, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक बाइट। अब एक बाइट जाहिर सी बात है कितने के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट का क्या होता है, एक बाइट होता है। अब इसी के साथ साथ कुछ और चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे एक बाइट जो है आपका 8 बिट का होता है, है ना, ऐसे ही आपका एक निब्बल जो है आपका 4 बिट का होता है, है ना, ऐसे ही आपका 1024 बाइट अगर आ जाए तो 1 किलो बाइट बनता है, 1 किलो बाइट बनता है,
है ना, किलोबाइट को मैं लिख सकता हूं 10^3, है ना, किलोबाइट मतलब 10^3। ऐसे ही 1024 केबी हो जाए तो 1 MB बनता है, यानी मेगा बाइट बनता है, मेगा मतलब 10^6, 10^6। ऐसे ही 1024 MB हो जाए तो 1 GB बनता है, जीबी मतलब गीगाबाइट, ये हो गया 10^9, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, हो सकता है आपको ये चीजें आ जाए। ऐसे ही 10^24 GB आपका हो जाता है तो 1 TB होता है, टीबी मतलब होता है टेरा, टेरा होता है 10^12, और ऐसे ही आप आगे बढ़ाते जाइए, पेटा 10^15, एक्सा 10^18, लेकिन उतना आपको नहीं पूछता है। जनरली आप देखेंगे यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बस यही क्वेश्चन दे देगा कि बताइए 1 TB बड़ा है या 1 GB बड़ा है, या फिर इनको बोल देगा किस जमाने के मामले में, बोल देगा कि इनको बढ़ते क्रम में जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, तो वो क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिंग डिवाइस, इनमें से जो है आपका कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिंग डिवाइस, हाँ पढ़ा इसके बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, राउटर, हब, स्विच, ऑल द अबव, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिंग डिवाइस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, नॉट हटा दो भाई, नॉट हटा दो, है ना, नॉट हटा दो, नॉट नहीं होगा यहां पर, नॉट हटा दो, हाँ नॉट हटा दो, यहां पर नॉट हटा दो, नॉट हटा दो, क्वेश्चन में नॉट मिस्टेक है, सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं, सभी यहां पर चारों के चारों जो हैं ये कनेक्टिंग डिवाइस है, नॉट हटा दो, नॉट बहुत बड़ी गलती है यहां पर, ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है डिलीट हो गया हो, लेकिन नॉट नहीं होगा यहां पर, सभी के सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं बेसिकली आपके, है ना, ये आपके नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम आते हैं डिवाइसेस को, है ना। राउटर, राउटर जाहिर सी बात है आपने पढ़ा होगा, राउटर क्या होता है, है ना, राउटर क्या होता है, है ना, आपने सब चीजें पढ़ी होंगी। राउटर क्या होता है, 3 लेयर वाला डिवाइस होता है, फिजिकल लेयर, डाटा लेयर और नेटवर्क लेयर होती है राउटर में आपकी, ये चीजें आपने पढ़ी हैं राउटर के बारे में, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राउटर क्या होता है। ऐसी हब आपका स्विच जो होता है ये क्या होता है, है ना, तो हब क्या होता है, एक मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, हब जो होता है मल्टीपोर्ट रिपीटर, मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है आपका हब, है ना, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही आपको ब्रिज पूछ ले, ब्रिज पूछ ले, ब्रिज क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, तो रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रिपीट करता रहता है ताकि आपका जो वीक सिग्नल है वो करप्ट ना हो, तो वो रिपीटर होता है, सिग्नल को रिपीट करता रहता है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, चीजें ध्यान रखनी है, हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये नॉट हटा देना, सभी कनेक्टिंग डिवाइस है। चलिए FTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, FTP, हाँ FTP स्टैंड फॉर, हाँ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत बढ़िया, FTP जो है आपका क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, पढ़ा है आप लोगों ने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा FTP, बिल्कुल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो फाइल्स के ट्रांसफर के लिए बना हुआ है, अगर आपने TCP/IP बेसिकली आपका क्या है चीजें पढ़ी हो तो उसमें आपने काफी चीजें पढ़ी होगी, और FTP जो है बेसिकली आपका 1971 में आपका क्या आया था, और FTP का काम क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी फाइल है उनको ट्रांसफर का काम होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, है ना, ये चीजें FTP के काम में होती हैं, और इसके अलावा इसमें TCP/IP का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये भी याद रखिएगा,
टीसीपी आईपी का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसको भी याद रखिएगा, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म। जी हाँ, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ते हैं। जी हाँ, ओएसआई मॉडल, हाँ पढ़ा है ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल। हाँ क्या होता है ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जिसे हम कहते हैं। कितनी लेयर होती है क्वेश्चन आ सकता है ओएसआई मॉडल में। ओएसआई मॉडल आपने पढ़ा होगा, कितनी लेयर होती है ओएसआई मॉडल में, 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 7 लेयर्स होती है, क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसकी जो टॉप लेयर है एप्लीकेशन लेयर होती है, जो बॉटम लेयर है फिजिकल लेयर होती है, है ना। इसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, फिर अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल जो होते हैं ना वो चलते हैं। अलग अलग लेयर में आप देखेंगे तो अलग अलग जो प्रोटोकॉल होते हैं वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे जो नेटवर्क लेयर होती है वहां पर आपके बेसिकली आईपी प्रोटोकॉल होता है। तो ये जब आप ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये प्रोटोकॉल होते क्या है और इनका यूज क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एसएमपीएस, एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहां पर। जी हाँ, SMPS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, SMPS का फुल फॉर्म। चलिए बताइए भाई, SMPS, हाँ क्या है SMPS? स्विच मोड पावर सप्लाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्विच मोड पावर सप्लाई जो कि है ए ऑप्शन, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस क्या है, बेसिकली आपकी पावर सप्लाई है ना। आपने सिस्टम में देखा है पीछे जो सिस्टम में पीछे जो होता है सीपीयू के ऊपर लगा होता है जिससे पूरा पंखा चलता रहता है जिसमें एक, वो बेसिकली करता क्या है, वो आपकी पावर सप्लाई को डीसी से एसी में, एसी से डीसी लोड में कन्वर्ट करता है। तो जो भी आपका वोल्टेज है आपका करंट है उन चीजों को मेंटेन करके चलता है। गुड इवनिंग दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त इस क्लास में। चलिए तो एसएमपीएस आप याद रखिएगा, बेसिकली आपका एसी टू डीसी, डीसी टू एसी पावर सप्लाई मेंटेन का काम करता है। उज्ज्वला जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। चलिए अगला है, सबसे धीमी गति का इंटरनेट कौन सा है। जी हाँ जल्दी बताइए, स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्ट सर्विस इज, सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन की बात हो रही है, सबसे धीरे। तो आप सभी ने देखा होगा सबसे धीरे जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो होता है डायलअप। अगर आप लोग पुराने जमाने के हैं, मतलब मेरे जमाने के हैं, तो हम लोग जब स्कूल में थे कॉलेज में थे तब आपका डायलअप कनेक्शन हुआ करता था, वहां से फोन उठा के नंबर डायल करते थे तो यहां पर इंटरनेट आपका क्या होता था, चालू होता था। तो डायलअप कनेक्शन सबसे स्लो आपका कनेक्शन कहलाता है, जो बेसिकली आपने देखा होगा फोन लाइन से एनालॉग मॉडम होते थे उस टाइम पे, उससे कनेक्ट होता था। फिर यहां से आप सिस्टम से आप डायलअप वाला बॉक्स ओपन करते थे, वहां से नंबर घुमाते थे, उसके बाद आपका कनेक्ट होता था। और रही बात केबल की, तो केबल तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, है ना। और आपका जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है तो वो तो आपकी डायरेक्ट इंटरनेट लाइन होती है, डायरेक्ट आपकी आ जाती है, जिसे हम कॉपर लाइन भी कहते हैं, है ना। तो ये चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ब्रॉडबैंड हो गए और ये सब चीजें आपने देखी है आज की डेट में, है ना। यूजीसी नेट की 7 बजे से रहेगी दीपक गोलानी जी, बाकी आईसीटी की आप देख सकते हो, आपके लिए काम की है ये क्लास, आईसीटी के लिए आपके काम की है क्लास, क्योंकि यूजीसी नेट में भी आईसीटी है और यहाँ पे भी आईसीटी है, तो दोनों में काम आ जाएगा। चलिए बोला जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये कैसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, ये जो सॉफ्टवेयर है आपकी कैसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, फटाक से कमेंट कीजिए भाई।
हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिसंबर लास्ट तक जा सकता है, उसके पहले तो नहीं हो सकता, दिसंबर लास्ट तक जा सकता है बिल्कुल। ये सब जो आपके सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी सहायता के लिए बने हैं। जी हाँ, आपकी सहायता मतलब मुझे फोटो एडिट करनी है तो फोटोशॉप खोल लिया, मुझे वर्ड फाइल बनानी है तो मैंने एमएस वर्ड खोल लिया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर चीजों के लिए बने होते हैं वो कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जैसे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसको आप कहते हो, जैसे आपके डिस्क मैनेजमेंट हो गया है ना, आपका एंटीवायरस हो गया, तो ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता ही है, ओएस जो बाकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक लेवल बना के चलता है, फॉर एग्जाम्पल विंडो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मैक हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉइड जो है आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एप्पल वालों का भी आपका क्या होता है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये कई चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला है कि विच परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्र की जांच के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे पाएंगे, और प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया तो। गुड इवनिंग निहारिका जी, विच इज मेनली यूज इन चेकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर इन एग्जामिनेशन। बिल्कुल OMR, जी हाँ OMR शीट जिसको हम कहते हैं, उसे OMR के द्वारा क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। OMR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। जी हाँ OMR इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे ही आपका MICR यहां पर आपने पढ़ा होगा, MICR आपने बैंक गए होंगे चेक बुक देखी होगी है ना, बैंक गए होंगे चेक होगा आपके पास है ना, और चेक है तो भैया आप अमीर हैं है? क्या होता है MICR का फुल फॉर्म, क्वेश्चन आता है MICR पे भी हाँ, और पूछा जाता है MICR का फुल फॉर्म क्या, या MICR का यूज किस लिए किया होता है, या फिर कहां पे होता है, तो भैया जो चेक में आपने देखा है तो MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये आपका MICR होता है। जनरली चेक में आपने देखा होगा बॉटम में आपकी लाइन होती है ना, नीचे साइड आपने बैंक चेक में होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है फर्जी चेक बना लो, तो इसलिए उसमें MICR डाला जाता है, मैग्नेटिक इंक डाली जाती है कि वो पता रहे ये असली है ना। OCR की बात करें तो OCR बेसिकली है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर। अब कैरेक्टर कैसे, जैसे आपने गूगल लेंस का यूज किया होगा तो उसमें जब आप किसी फोटो क्लिक करते हैं तो एक टेक्स्ट उठ के आ जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, बेसिकली वो आपका कहलाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो इसको याद रखिएगा। हाँ चलिए क्लियर है, हाँ रिकॉग्नाइजेशन ही है MICR, ठीक है आ रही है रीडर नहीं है ठीक है। हाँ OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ही होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीडर नहीं होता है वो, बारकोड रीडर होता है अलग। हाँ OMR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ही होता है, ठीक है। ये मत कहिएगा कि भैया रीडर होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको बोलते हो लेकिन एक्चुअल में उसकी जो फुल फॉर्म है आपकी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ही होती है ना। हाँ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन के नाम से ही जाना जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रीडर मत बोलिएगा है ना।
चलिए, बोला जा रहा है WWW, तो अभी मैंने बताया था 1989 में, जी हां 1989 में जो था आपका टिम बर्नर्स-ली, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WWW की खोज की थी, किसकी सहायता से? HTTP प्रोटोकॉल आपका बनाया था उसने, HTTP प्रोटोकॉल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा। वो इज कंसीडर अस इन्वेंटर ऑफ WWW। इसके अलावा फादर भी पूछा जा सकता है, यहां पर आपका बोल देगा हु इज कंसीडर फादर ऑफ WWW, तो फादर का भी आप ध्यान रखेंगे तो वो भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, फादर भी बोल सकता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर वो चीज है जिसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो भाई, सॉफ्टवेयर वो है जिसे आप छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, है ना, और आप उसे ऑपरेट कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते, फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है, है ना, तो जाहिर सी बात है भाई, फिजिकल कौन प्रेजेंट नहीं है? एक्सेल, एक्सेल आपका ऐसा है कि भैया सॉफ्टवेयर है आपका, ना कि हार्डवेयर है, है ना, तो एक्सेल जो होता है आपका सॉफ्टवेयर होता है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं, दोबारा से आया था तो ध्यान रखिएगा। जंक ईमेल को किस नाम से जानते हो? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने किया है, स्पैम के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच में कौन सा आपका बेसिकली वो होगा कंप्यूटर, ये आपको पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर वुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर फाउंड इन डिजिटल वॉच। हा बिल्कुल, एम्बेडेड कंप्यूटर, बहुत बढ़िया, एम्बेडेड कंप्यूटर ही आपका क्या होता है इसके अंदर मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने सुपर कंप्यूटर पढ़ा ही है, जैसे परम वरम जो है हमारे सुपर कंप्यूटर है, है ना, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई परम क्या है, है ना, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, तो जैसे कैमरे हो गए, वहां पर भी आपका क्या है भाई, आज की डेट में एम्बेडेड कंप्यूटर ही तो है कैमरे के अंदर जो चीजें हैं, मोबाइल फोन क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर ही तो है। मेन फ्रेम क्या होता है, जैसे यूनिवेक जो है बेसिकली आपका क्या है, मेन फ्रेम था, है ना, तो कई बार आपको पूछा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, जैसे बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, तो उनका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जहां पर उनका पूरा डाटा लोकल कंप्यूटर्स का भी आपका स्टोर होता है, है ना, और सुपर कंप्यूटर जो सबसे हाईएस्ट स्पीड में चलते हैं, जैसे आपने परम सिद्धि AI और मिहिर जो है लेटेस्ट में आपके आपके सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्धि AI, है ना, ये आपका, और साथ में मिहिर जो है आपका, और आपका कौन, और आपका मिहिर जो है आपका मिहिर, ये आपके सुपर कंप्यूटर है। स्टार्टिंग परम 8000 से हुई थी, सीडेक ने इसे बनाया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, है ना। नोटबुक की बात करें तो नोटबुक जो है आपका लैपटॉप बेसिकली, बैटरी ऑपरेटेड जो होते हैं वो आपके नोटबुक कहलाते हैं, जो बैटरी से चल जाते हैं बेसिकली, जैसे लैपटॉप आपका, है ना, तो वो आपका नोटबुक कहला जाता है। चलिए, बोला जा रहा है कि व्हाट आर टू पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, तो आपको बताया था कि भाई ER रोहित खेरा, जैसे ये मेरा @gmail.com, है ना, तो आपने देखा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट को कहते हैं @ के पहले वाले यूजर नेम, और इधर वाले पार्ट को कहते हैं डोमेन नेम, इधर वाले पार्ट को कहते हैं डोमेन नेम, तो भाई यूजर नेम और डोमेन नेम, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हो सकता आपको आ जाए। हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इसी नाम से ही यूजर नेम, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं वहां पर भी शॉर्ट क्विजेस आपको अटेम्प्ट करने हैं, MCQ आपको लगाने हैं, तो वहां पर भी आप
रील देखने के बजाय एमसीक्यू दे सकते हैं। जी हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू की सूची होती है, ब्लैंक इज मेन्यू कंटेंट लिस्ट ऑफ। जी हाँ, अ मेन्यू कंटेंट अ लिस्ट ऑफ डाटा, ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट या कमांड। चलिए बताइए, अ मेन्यू कंटेन अ लिस्ट ऑफ, हाँ क्या होता है मेन्यू के अंदर भाई, किसकी लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ कमांड, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या लिस्ट ऑफ डाटा। हाँ बहुत बढ़िया, मेन्यू में होता है कमांड। जी हाँ, मेन्यू जो होती है लिस्ट ऑफ कमांड होते हैं, अलग अलग आपकी कमांड होंगे, अलग अलग आपने सॉफ्टवेयर यूज किए हैं तो उसमें मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस www। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने www की खोज टिम बर्नर ली ने की थी 1989 में, और उसने यूज किया था एक प्रोटोकॉल जिसका नाम था HTTP, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर प्रोफेसर में कितने मार्क्स का ICT आएगा, 5 से 7 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, 5 to 7 क्वेश्चंस आपके ICT के देखने को मिलेंगे, 35 to 40 क्वेश्चन MP के देखने को मिलेंगे, और 5 से 7 क्वेश्चन ही करंट के देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो रेंज आपकी चेंज होती रहती है, कई बार MP 40 दे देता है तो 5-5 दे दिया, नहीं तो 35 दिया तो फिर 5-7 या 7-7 इस तरह से वो दे देता है। तो 5 से 7 तो मान के चलो आप देखने को मिल जाते हैं, कई बार 8 भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं, है ना, करंट अगर उसने कम कर दिया तो। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन। जी हाँ, डोमेन नेम का एक्सटेंशन कौन सा वैलिड है यहां पे आपको बताना है। तो भैया आपको पता है डॉट के बाद वाला जो पार्ट होता है, जैसे डॉट के बाद वाला पार्ट होता है वो आपका डोमेन नेम एक्सटेंशन कहलाता है, डोमेन नेम एक्सटेंशन कहलाता है जो डॉट के बाद वाला होता है। जैसे .com कमर्शियल के लिए यूज होता है, .government गवर्नमेंट साइट्स के लिए, .net है ना, ऐसे ही .edu है ना, ऐसे ही .in .in मतलब इंडिया से रिलेटेड है, .au ऑस्ट्रेलिया, .usa है ना, तो वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। तो यहां पर ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL। अब ये क्वेश्चन आ सकता है URL पे आपको क्वेश्चन, हाँ URL फुल फॉर्म, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन आ चुके हैं, लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन है इसमें कुछ, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे बनाए क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आ चुके क्वेश्चन है लास्ट 2-3 साल पुराने, ज्यादा पुराने भी नहीं है, 2-3 साल पुराने ही क्वेश्चन है, आ चुके एग्जाम में लेकिन ये, ठीक है। तो ये मत कहना कि ये नहीं आएंगे, बहुत ईजी है, आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप पेपर उठा के देखिएगा, लेटेस्ट वाला भी मैं आपको पेपर करवाऊंगा, है ना, फॉरेस्ट रेंजर का मेंस हुआ है उसका भी पैटर्न सेम है, उसका मैं करवाऊंगा तो आप खुद देखिएगा पेपर 1, है ना। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हाँ सी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। हाँ भाई URL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और URL का यूज कहाँ पे होता है, क्या है URL, तो ये तो आप सभी को पता है, आप हमेशा URL खोलते ही हो, पर्टिकुलर बेसिकली वेबसाइट का एक URL एड्रेस होगा, है ना, पर्टिकुलर एक उसका एक URL एड्रेस होता है, है ना, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेसिकली। और इसे भी किसने बनाया था याद रखिएगा, टिम बर्नर ली। जी हाँ, टिम बर्नर ली है इसको बनाने वाले भी, टिम बर्नर ली, क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू उन्होंने ही बनाया, टिम बर्नर ली है इसको बनाने वाले, ये चीज याद रखिएगा।
1994 में इंटरनेट इंजीनियरिंग वर्क ग्रुप ने यूआरएल का जो था एक स्ट्रिंग एड्रेस बनाया था, है ना, जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स बेसिकली आपका यूआरआई कहते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा www.google.com, जी हाँ www.google.com, ये बेसिकली आपका क्या है, यूआरएल ही तो है इसका पर्टिकुलर, है ना। उसमें भी आप देखेंगे तो होस्ट नेम होगा, फाइल नेम होगा, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन ये पूरा आप देखेंगे क्या है, एक्चुअली में यूआरएल को दर्शाता है। आप जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने खोला, तो यहां पर आप जो डाल रहे हैं ये क्या है, यहां पर जो आप लिख रहे हैं वो यूआरएल ही तो आ रहा है उसका जो आप डालना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया था, लास्ट 2 साल पहले का क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म। ईमेल स्टैंड फॉर, जी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको बिल्कुल, हाँ www 1989 में बना था बिल्कुल, है ना। और ये जो यूआरएल का बता रहा हूं मैं 1994 में बना था, है ना। हाँ ईमेल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम ईमेल कहते हैं। और ईमेल आज की डेट में भाई जिसको नहीं पता तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, बिना ईमेल का आपको पता ही नहीं है चीजें, है ना। जीमेल आपका एक ईमेल प्रोवाइडर है, याहू आपकी ईमेल प्रोवाइडर है, सही, याहू मेल आपने देखा होगा। हाँ क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें, क्या क्वेश्चन आता है इसमें, और हाँ क्या क्वेश्चन आ जाएगा, और क्या क्वेश्चन आ जाएगा, पहला ईमेल पूछ सकता है आपको, है ना, या फिर ईमेल किसने आपके किया, हाँ इन्वेंटर ऑफ ईमेल किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये रे टॉमिलसन करके थे, है ना, रे टॉमिलसन करके थे, इन्हें माना जाता है बेसिकली किसका, ईमेल का इन्वेंटर। तो क्वेश्चन आ जाए ईमेल का इन्वेंटर कौन है, रे टॉमिलसन 1971 में ईमेल उन्होंने ही खोजा था, इसको याद रखना, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना। अच्छा फर्स्ट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, फर्स्ट ईमेल सर्विस, हाँ तो फर्स्ट ईमेल सर्विस कौन सी थी बता पाएंगे, हाँ फर्स्ट ईमेल सर्विस पता है आपको कौन सी थी, फ्री वाली फर्स्ट ईमेल सर्विस थी हॉटमेल, है ना, याद रखिएगा हॉटमेल जो थी आपकी फर्स्ट ईमेल सर्विस थी। इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है कि फर्स्ट ईमेल सर्विस कौन सी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जी हाँ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही है यहां पर, फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की बात हो रही है यहां पर, हॉटमेल, हॉटमेल बहुत बढ़िया सबीर भाटिया, बहुत बढ़िया बिल्कुल, हॉटमेल जो है हॉटमेल सबीर भाटिया के द्वारा बनाया गया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया सबीर भाटिया, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है हॉटमेल पे, ठीक है। तो हॉटमेल को क्रिएट करने वाले सबीर भाटिया थे, याद रखिएगा, वेरी गुड, ऑल दी अबव यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बन जाएगा क्वेश्चन ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, जी हां HTML फुल फॉर्म, हाँ क्या है HTML, किस लिए यूज किया जाता है HTML, वेब पेजेस, जी हाँ वेब पेजेस बनाने का काम जो होता है ना, जो भी आप वेब पेज देखते हैं उसको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए HTML का जनरली यूज किया जाता था। अब तो और भी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीजें आपकी देखने को मिल गई है, लेकिन जनरली आप देखेंगे HTML का यूज किस लिए किया जाता था, वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है, है ना। और क्वेश्चन यहां पर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए तो हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो अनगिनत बार आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है एचटीएमएल, तो कई बार आपको हो सकता है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एचटीएमएल पे आपको क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पे जनरली आप देखेंगे कंप्यूटर पे एक दो क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाएंगे। हाँ देखिए, 2 से 3 मंथ अगर आप देंगे तो आराम से पूरा हो जाएगा, इसलिए मैंने 90 डेज का, आप खुद देख रहे होंगे 90 डेज का टारगेट क्लासेस रखा है आप लोगों के लिए। 90 डेज पर्याप्त है आपको पूरा कोर्स करने के लिए, MP ICT प्लस आपका करंट अफेयर, ये 90 क्लासेस अगर आप कर लोगे और मैराथन कर लोगे मेरी, तो गारंटी है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर 1 में, जी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 में आपके स्कोर 45 या 40 प्लस होगा। ये मैं नहीं कहता, आपने खुद देख लिया है सेट के जो मैंने आपको क्लासेस दी थी, सेट में जो पढ़ाया था उससे कई स्टूडेंट आप ही अच्छे से कर के बने हैं। हाँ तो वो बढ़िया आप कीजिए। आज की क्लास बस यहीं तक हो गई क्लास आज की, और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहीं पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, AEP ग्रुप, और अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा, यहां पर भी आपको PDF मिल जाएगी। पेपर 1 का कोर्स आपको मिल जाएगा 599 में मात्र, आज आखिरी दिन है पेपर 1 का, कल फीस बढ़ जाएगी तो ज्वाइन कर सकते हैं 599 में। इसके साथ साथ PDF वाला अगर आप प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं 30 रुपीज में आपको YouTube पे प्रीवियस पेपर, UGC नेट और अलग अलग MPPSC एग्जाम्स के मिल जाएंगे, और क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिए ऐसे ही हमारी फ्री क्लासेस को जो हम YouTube पे आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, अगर आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं फ्री एजुकेशन के नाम पे, तो आप इस नंबर पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और 7 बजे आपको UGC नेट की क्लास मिलेगी, वहां पर हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो जो स्टूडेंट्स UGC नेट देना चाहते हैं तो 7 बजे क्लास में जुड़े। मैं मिलता हूं आप लोगों